हाई एंड हैलो एवरीवान वेलकम टू स्प्रिंट यू बी एस सी वी आर डिस्कसिंग द हिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु बोर्ड दिस इज समरी सेशन ऑफ चैप्टर टेन वेर इन विच वी डी विल डिस्कस द वेलो आर म्यूटनी सो बेसिकली चैप्टर टेन को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं आप पहले वो सेशन जाके देख लीजिए एंड देन कम योर फॉर द रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू तो रिविजन के लिए ये सेशन बेस्ट है uh, देखिए इस चैप्टर में क्या क्या कॉन्टेंट्स थे कॉजेज़ पढ़े थे हमने एंड कोर्स ऑफ म्यूटनी पढ़ा था कि क्या रीज़न है और किस तरह से म्यूटनी हुई थी बात कर रहे हैं वेल्योर म्यूटने की सो so बेसिकली वेल्लोर कहाँ था वेल्लोर बेसिकली वॉज द कैपिटल ऑफ नॉर्थ आराकोट तमिलनाडु की बात हो रही है ठीक है यहाँ के जो नेटिव रूलर्स थे या तो छोटे छोटे जो रूलर्स थे उन्होंने या तो सबमिट कर दिया था या फिर रिपेल कर रहे थे ठीक है अब जो रिबेलियंस थे उनके पास कोई क्लियर विजन नहीं था या फिर कोई क्लियर आईड एक आइडियल पर्सनालिटी नहीं थी एक आइडियल्स नहीं थे ठीक है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी जो टेरिटरीज थी उनके इंटरेस्ट पर लड़ रहे थे है ना उनके एम्बिशन्स क्या थे उनके एम्बिशन्स ये थे कि उनके जो पुराना फ्यूडल ऑर्डर है वो प्रिजर्व रहे ब्रिटिशर्स आ गए हैं वो उनसे वो चीज़ें छीन ना लें ठीक है वेलोर में पर्टिकुलरली जो नेटिवस पॉइस थे थे ठीक है उन्होंने ये जो है रिवॉल्ट स्टार्ट किया था 1806 में ठीक तो बेसिकली किसने ऑर्गेनाइज किया था ये जो पूरा आपका वेलोआइ म्यूटनी है सी पॉइंट सी पॉइंट म्यूटनी भी बोल सकते हैं आप उसने इसको ठीक है एंड जो अर्लीअ रिबिलियन था दैट हैड ओनली स फॉर द रीजनल इंटरेस्ट इसके पहले जो हमने देखे वो रीजनल थे अब यहाँ पे क्या आपको थोड़ा लार्ज परस्पेक्ट मिलेगा कॉजेस देख लेते हैं तो पहली बात तो जो ये सीपॉय थे उनको कंपनी के अंदर काम करना पड़ रहा था अब तक किसके अंदर काम कर रहे थे अभी हमने क्या बात किया कि जो नेटिव रूलर्स थे या तो उन्होंने सबमिट कर दिया था ठीक है या फिर रिबेल कर रहे थे जिन्होंने सबमिट कर दिया था अब राजा ने सबमिट कर दिया राजा को पेंशन मिलने लगी ब्रिटिशर्स की तरफ से इनके सिपाही क्या करेंगे इनके सिपाही अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर काम करेंगे तो इनके अंदर ना एक वो था कि यार हमारे राजा को हरा दिया हमारे राजा के प्रति वो एक वो था ना रॉयल रॉयल्टी लॉयल्टी तो लॉयल्टी अभी भी इनकी राजा के प्रति ही थी ठीक है तो इनको क्या था अब धीरे धीरे क्या हो रहे थे या तो वो कंपनी के अंदर काम कर रहे थे या फिर डिसअपियर कर रहे थे एंड कंपनी का जो था बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था प्रैक्टिस और नए नए वेपन्स कंपनी यूज़ करती थी और उनसे करवाती थी नई मेथड यूज़ करती थी और इनसे करवाती थी यूनिफॉर्म जो थे वो काफ़ी नए थे इन सिपाहियों के लिए फिर आपके जो जॉन कार्डॉक हैं हु वॉज अ कमांडर इन चीफ और उनके विद द अप्रूवल ऑफ लॉर्ड विम मैंटिक हु वॉज देन द गवर्नर ऑफ मद्रास उन्होंने एक नया फॉर्म स्टार्ट किया टर्बन का ठीक है जो सर पे पहनते उस टर्बन का और वो जो टर्बन था वो यूरोपियन हैट से रिसेम्बल करना था सिपाहियों को लगा कि अब ये उनके इंसल्ट हैं उनके जो रिलीजन है उनके जो कल्चर है उसकी इंसल्ट है है ना उनके जो सोशल ट्रेडिशन है उसकी इंसल्ट है और उसके बाद बहुत से दूसरे रीजन्स भी थे जैसे कि तो रेशल प्रिजाइस ठीक है तो रेशियल प्रिजाइस थे Uh, जो यूपिन सिपाही थे वो अपने आप को सुपीरियर जो है समझते थे और इंडियंस को वो इन्फीरियर समझते थे और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो सिपाही थे वो अपने ओरिजिनल रॉयल्टीज़ को भूल नहीं पाए है ना तो एक, एक, एक ये भी रीज़न था फिर व्हेन वी टॉक अबाउट वेलोर और अपराइजिंग तो वहाँ पे आपको बहुत सारे सीरीज ऑफ़ प्रोटेस्ट मिले इंडियन ट्रूप्स के मई 1806 में जो फोर्थ रेजिमेंट था उसने टर्बन के खिलाफ रिवॉल्ट शुरू किया कमांडर इन चीफ ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिए सीवर एक्शन लिए एंड दोज हु वर फाउंड गिल्टी उनको पनिश भी किया गया था और उन पर पाँच से 900 सौ लैशेज कोढ़े मारे गए थे बिफोर द म्यूटनी सीक्रेट एसोसिएशन्स बनाए जा रहे थे मीटिंग्स हो रही थी है ना जिसमें टीपू की फैमिली भी जो है पार्टिसिपेट कर रही थी और यहाँ पे इनका एम क्या था इनका ये था कि जो पुराना मुस्लिम रूल चल रहा था ना रीजन में वो वापस आ जाए एटलीस्ट वो वापस आ जाए है ना तो ये जो सिपाही थे ऐसा नहीं था कि उनको पता नहीं था उनको ब्रिटिशर्स के जो आर्म्स एमिनेशन शक्तियों पावरों इन सब सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं था उनको पता था ब्रिटिश आर मोर पावरफुल हाउ क्योंकि इसके पहले जो ट्रेजिक इंसिडेंट्स हो चुके हैं जैसे कि पुली थेवर का खान साहेब कोटा वूमेन मुरुदू ब्रदर्स टीपू सुल्तान ये सारे एग्जाम्पल्स थे इनके सामने उनको पता था कि ये ट्रेजिडिक ट्रेजिक, ट्रेजिक एंड उनके साथ भी हो सकता है तो इसमें क्या हुआ ना हैंस दे वॉर इल फीलिंग अबाउट ब्रिटिशर्स तो दो है देखो उनको पता था कि इनके पास इतने सारे पावर्स हैं बट उनको ये भी पता था कि हमारे यहाँ के लोगों को किस तरह से परेशान कर रहे हैं राइट तो देर वॉज एन इल फीलिंग अबाउट द ब्रिटिशर्स इन द माइंड ऑफ दी पॉइस एंड ये सारे के सारे रीजन्स थे विच लेट टू दर बिलन एंड विच अल्टीमेटली लेट टू द एंड यू कैन सेवर द रेबिलियन विच वॉज गोइंग टू हैपन इन द बेलो राइट सो दिज ऑल आर द रीजन्स नाउ टॉकिंग अबाउट द कोर्स ऑफ म्यूटनी किस तरह से पूरी म्यूटनी है वो चले सो ऑन जुलाई टेंथ इन अर्ली मॉर्निंग जो नेटिव सिपाहीज थे सिपाही थे फर्स्ट एंड ट्वेंटी थर्ड रेजिमेंट उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने uh, जो है आपके डजनस ऑफ ऑफिसर्स को मार दिया बट ये जो है अपराइजिंग क्रश कर दी गई कॉलनल गिलेस्पी के द्वारा धीरे धीरे कुछ रेबल्स को जो है सम ऑफ देम वर हंग सम ऑफ देम वर शॉट डेड एंड अल्टीमेटली एक ब्लडी एंड आपको देखने मिलेगा इस पूरी की पूरी जो uh, म्यूटनी है उसका और फिर जो टीपू था उसको भी कलकत्ता भेज दिया गया था अब एक uh, हम इन जनरल व्यू एक समराइज़ करके अगर हम इस म्यूटनी को समझने की कोशिश करें तो वॉट डू वी अंडरस्टैंड वी अंडरस्टैंड दैट कि देखो एक तो हुआ था हम अगर हम बोलते हैं द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एटीन फिफ्टी सेवन राइट एटीन एटीन फिफ्टी सेवन की म्यूटनी को हम वही बोलते हैं बट इन एक्चुअल सेंस उसी तरह के एक सिमिलर रिवॉल्ट हो चुका था साउथ इंडिया में दैट इज़ अ वेल्योर म्यूटनी एंड दैट हैपन इन एटीन जीरो सिक्स सो बहुत से स्कॉलर्स हैं जिनका अलग अलग कुछ कुछ सोचना है जैसे कि एक एक पिल्ली है वो इस थेसिस को रिजेक्ट uh, करते हैं कि जो वेल्योअर म्यूटनी है दैट लेट टू 1857 कवाला रिवॉल्ट ठीक है तो इस चीज़ को वो रिजेक्ट uh, करते हैं ऑन द अदर साइड ऑन द अदर हैंड वी डी सावरकर ही कॉल्स दिस पर्टिकुलर म्यूटनी बाई लॉड म्यूटनी ऑफ एटीन जीरो सिक्स एज अ प्रिल्यूट टू द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस दैट वॉज हैपिन टू एटीन फिफ्टी सेवन फिर एन संजीवी वो बोलते हैं कि जो तमिल्स हैं दे हैड टेकन द रियल लीड बेसिकली इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड के राजयन उनका कहना है कि ये जो म्यूटनी है वो एक कंटिन्यूशन था कहाँ का वो जो मेरुदू ब्रदर्स का रेसिस्टेंस चल रहा था ना वहाँ से वो बोल रहे हैं उसका ही कंटिन्यूशन था तो इस तरह से इसको एनालाइज़ किया जाता है इस म्यूटनी को समझा जाता है बट ऑल दो दिस म्यूटनी हैज़ अ वेरी लार्ज इम्पैक्ट बिकॉज कुछ कि, किसी भी तरह का रिवॉल्ट या फिर अपराइजिंग होती है दैट अल्टीमेटली uh, रेफर्स एंड दैट अल्टीमेटली यू नो ignites सम पीपल लोग अवेयर करती है नॉलेज फैलाती है और जिससे एट द एंड ऑफ दी छोटे छोटे जो म्यूटनी हुए हैं वो ही अल्टीमेटली दे लेट टू द इंडियन फुल फ्लैज इंडियन स्ट्रगल दैट स्टार्टेड हैपनिंग आफ्टर एंड अराउंड एटीन एटी फाइव राइट सो दिस इज़ इट अबाउट दिस पर्टिकुलर समरी सेशन आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हूँ एंड

साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यू पी ऐप यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं देखिए सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए और स्प्रिंट यू पी एस सी परफेक्ट ऐप है आई विल सी यू सो इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू वेरी मच